हे गाइस, हैशटैग भावना ग्लिट्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये लुक के लिए मैंने स्टार्ट किया अपना स्किन केयर से। सबसे पहले मैंने लिया है बायोटिका ककंबर वाला फेस टोनर। अगर आप टीनेजर्स हैं और या बिगनर्स हैं, आपको अगर एक्ने की प्रॉब्लम है तो आप इस टोनर को यूज़ कर सकते हैं, आपका पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा। उसके बाद मैंने लिया है गुड वाइब्स का रोज़ हिप ऑयल। इतना स्मूथ बेस बना देता है ये अच्छे से कि आप कुछ भी लगाएंगे अच्छे से स्प्रेड होता है। उसके बाद मैं लूँगी अल्प्स गुडनेस का एलोवेरा जेल। आप जो भी एलोवेरा यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। ये हमारा बेस अच्छा सा रेडी हो गया है एकदम। उसके बाद हम अब मेकअप स्टार्ट करेंगे NYB के फेस प्राइमर से। जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है आप इसे वहाँ वहाँ लगा लें और आपका ना ये पोर्स को फिल कर देगा अच्छे से। ये इस तरह से आप जब भी मेकअप लुक करते हैं ना, एक तो आपका मेकअप ज़्यादा देर तक स्टे रहता है, फ्लॉलेस रहती है आपका मेकअप। उसके बाद ना ये मैंने पॉन्ड्स की बीबी क्रीम ली है। ये आई थिंक न्यू पैकेजिंग में है क्योंकि मेरे पास पुरानी थी। इसका शेड भी अलग है। मेरा फर्स्ट क्रीम में जो पहली वाली जो बीबी क्रीम थी उसका ओरिजिनल था और इसमें शायद आइवरी है। और उसके बाद मैं ना क्या करूँगी, हमने बहुत लाइट सा बिगनर्स या टीनेजर्स के लिए मेकअप लुक रखा है, कोई भी हाईली हम कुछ नहीं लगाएंगे। मैंने हल्का सा ना बहुत लाइट मैंने लगाया है स्टे किड्की का कंसीलर। ये अगर आपका ना एक तो ब्लेंडर ना अच्छे से ना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसे ना आप पानी में डिप करके रख दो, जिससे आपका एक तो फाउंडेशन अच्छे से ग्लैड होगा और जितना भी एक्सेस आपका फाउंडेशन होगा वो निकल जाएगा। और गंदा यूज़ करोगे ना, ज़्यादा गंदा यूज़ करोगे तो आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम रहेंगी। इसे वॉश करते रहा करो। जैसे थोड़ा सा भी आपको हार्ड सा लगने लगे ना, आप इसे अच्छे से वॉश करो और इस टाइप से यूज़ करोगे ना तो अच्छे से फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, अच्छे से ब्लेंड होगा। और मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए लूँगी ब्लू हेवन का फिनिशिंग पाउडर है। मेरा शेड है नेचुरल। जो भी शेड हैं, कलर्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना शेड और कलर। और मैंने ये लिया है लैक्मे का लिप लव, लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए। ये मैंने ना पैक की आईब्रो ब्रो डिफाइनर यूज़ किया था। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, बट ये इतनी अच्छी, इसके अंदर आपको चार शेड मिल रहे हैं, आपकी आईब्रो शेड जिस भी कलर की आप उसमें फिल कर सकते हैं। और इसका ना ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्लीक सा था, पतला सा था, बिल्कुल जहाँ रखोगे शेड वहीं अच्छे से ब्लेंड होगा, वही शेप के लिए ना ये बहुत अच्छा लगा मुझे ब्रश। इसके साथ छोटी सी स्पूली भी थी बैक साइड में, और मैं इसे सेट कर लूँगी स्पूली की हेल्प से। ये देख रहे हो कितना मतलब स्लीक सा है, पतला सा ब्रश था, ब्रश मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, ब्रो डिफाइनर भी मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये स्किन कलर लूँगी मैं, और मैं अपनी पूरी आईलिड क्रीज वगैरह पे इसे अप्लाई कर लूँगी। ब्लेंड ज़्यादा अच्छे से करना। उसके बाद ना ये मैंने ग्रीन सा डार्क ग्रीन हीना कलर होता है ना, जो वाला कलर लेके ना आउटर वी पे अप्लाई करूँगी मैं। बिल्कुल लाइट लाइट लिया है मैंने, आप देख रहे होंगे। आपके ना जो भी ड्रेसअप का जो भी कलर हो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो, उसे शेड ले सकते हो। सॉरी, ये मैं आउटर वी पे इनर साइड ले जाते हुए अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद ये शिमरी से मैंने आई थिंक शैम्पियन गोल्ड शेड था, इसे मैं आउटर वी से लेके आउटर इनर वी से लेके आउटर वी की साइड लेके जाऊँगी। बहुत लाइट मेकअप था, टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा था। बिगनर्स हैं, आपको ज़्यादा मेकअप लुक नहीं आती है तो अभी सिंपल सा क्रिएट भी कर लोगे, बहुत ब्यूटीफुल होगा। और ग्रीन शेड मैंने लोअर लैशेज लाइन में अप्लाई करा है। और मैंने ना यहाँ लाइनर नहीं लगाया था, मैं ये शेड लेकर लाइनर की तरह से ड्रॉ कर लूँगी और एक क्लीन ब्रश की हेल्प से इसे स्मज कर लूँगी, ताकि ना लाइनर वाली लुक भी आएगी आइस पर और एक स्मोकीनेस भी आ जाएगा लाइट लाइट सा। आप देख रहे हो ये मैंने ब्राउन शेड लेके और ये मैंने उसकी तरह अप्लाई कर लिया था लाइनर की तरह। और अगर आप वैसे नहीं अप्लाई कर सकते हो, बिगनर्स हो, टीनेजर्स हो, आपको नहीं आता इजीली ऐसे करना, तो आप स्ट्रेच करो आइस को और उसे ब्लेंड कर लो। बहुत इजी होता है ऐसे ब्लेंड करना। अब टॉप अप कर देना है उन्हीं शेड्स का जो जो शेड आपने लगाए थे, हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का लाइट टॉप अप करना। कितना सिंपल ईजी, इतना अच्छा मेकअप लुक हुआ था। जो भी फॉल आउट हुआ है उसे ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेना। थोड़ा सा फॉल आउट हुआ था, मैं ब्रश की जब मैं ब्लेंड कर रही थी ना ग्रीन शेड को, तब फॉल आउट हुआ था।
और ये ना अगर आप कलर यूज़ करते हो, आपकी लैशेस इतनी अच्छी हो जाती हैं उसके बाद, आप ना एकदम ना अपर साइड चली जाएंगी, और आप जब मश्कारा लगाओगे ना इतनी अच्छी लुक आती है, एकदम नेचुरल सा आपको लगेगा भी नहीं, ना आपको लैशेस लगाने की ज़रूरत है। अभी आप देखना इतनी ब्यूटीफुल हो गई ना, कलर यूज़ करने से ना आई लैशेस बहुत अच्छी हो जाती है मश्कारा लगाने के बाद। मैंने लैशेस अप्लाई नहीं करी थी, आप देख सकते हो कितना फ़र्क आ गया है। उसके बाद मैंने लिया है लैक्मे का काजल, और मैं सिंपल सा, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, सिंपल सा ड्रॉ कर लूँगी, लोअर लैशेस लाइन में लगा लूँगी। आप ना लोअर लैशेस लाइन में जब भी वो लगाते हो ना काजल या शेड वगैरह, बाद में लगाया करो मश्कारा के बाद, नहीं तो ना लैशेस ना हिल जाती हैं। उसके बाद मैंने लिया है ये एले गर्ल का ब्राउन्ज़र, हल्की हल्की सी ब्राउन्जिंग कर ली है, ब्राउन्जिंग से ना फेस बड़ा अच्छा लगता है। हमने ये मेकअप लुक भी फाउंडेशन के साथ नहीं करा है, बीबी क्रीम के साथ करा है, जिन्हें मतलब बहुत, एक तो एकदम लाइट लाइट सा बेस रहेगा आपका, कुछ भी हैवीनेस नहीं रहेगी, ग्लो करेगा। और ना मैंने एक बात नोट करी थी, ये बीबी क्रीम ना ग्लो भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करा है इसको, शेड भी अलग है, मेरा पहले ओरिजिनल था अब आइवरी है, पता नहीं इन्होंने शेड कलेक्शन चेंज कर दिए हैं। ब्लश के लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्लश, बहुत लाइट ब्लश था, बहुत लाइट ब्लश था, और मतलब इतनी लाइट, एकदम ना ग्लो सा आ रहा था, बहुत हल्का हल्का सा। टीनेजर्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता कई लोगों को, बहुत सिंपल सोबर आपको अगर मेकअप लुक पसंद है तो आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ था। हाईलाइटर जो मैंने लिया था बहुत ज़्यादा शाइनी वाला नहीं लिया था, बस ऐसे मैंने लगाया था कि मेरी स्किन पे ना हल्का सा ग्लो प्रोवाइड करे हाईलाइटर। तो ये फिंगर की हेल्प से मैं चिक बोन पे लगा लूँगी, बहुत हल्का हल्का लगाया था सिर्फ कि एक ग्लो हल्का सा प्रोवाइड करे। मेरे को इयररिंग डालने थे ये वाले, बट मेरा एक इयररिंग नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाले डाले थे। और लिप ऑप्शन में ना मैं आपको दो ऑप्शन दूंगी इसमें, आप, मैंने पहले अपना लिप बाम लगाया है अगेन, उसके ऊपर मैं हल्का सा टॉप अप करूंगी NYB की लिपस्टिक का, शेड कलर वगैरह मैं सब अपलोड कर दूँगी, डाउनलोड कर उसमें मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐड देख लेना। बहुत हल्का हल्का टॉप अप करा था मैंने, ये ऐसे सिंपल से लिप्स देखो, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, कितना ब्यूटीफुल हुआ है ना। और सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दूंगी, आप इसे न्यू शेड में रख सकते हैं, मैंने सेकेंड ऑप्शन के लिए यूज़ किया था पर्पल का लिप क्रियोन, न्यूड सा था, और ये हल्का हल्का मैं इसे ही फिल करूँगी। ये मेरा फाइनल लुक था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।